जो भाजपा द्वारा एसटी का स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन दीन को बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला जी। मैं सभी आपके देखने वालों को, चाहने वालों को अपनी तरफ से आदाब नमस्कार कहूंगा। देखिए सर, बात ऐसी है कि जब इंसान किसी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के प्रोटोकॉल को, उसके जो कायदे कानून है, दिशा निर्देश को मानना पड़ता है। जहां पर एक बात चल रही है कि चौधरी रोशन दीन को जो है पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने और श्री रविंदर रैना जी जो हमारे स्टेट के ये पर्सनल फैसला भी कहा जा रहा है कि हालांकि बीजेपी का ऐसे फैसले को करार नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग जो है इसमें कह रहे हैं कि रविंदर रैना की वो पर्सनल पसंद थी। जी जी हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो रविंदर रैना जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने बना दिया, ठीक है, उन्होंने ही बनाना है और पार्टी ने ही बनाना है। लेकिन मैं जहाँ ये बात रखना चाहता हूँ कि पिछले दिनों दो महीने पीछे एक कुछ बंदों ने इस कम्युनिटी में, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई गुज्जर कोई है, बकरवाल कोई है, और जब पहाड़ियों को एसटी मिलने लगा तो कई लोगों ने कहा कि पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलना चाहिए था इसमें। चलो ठीक है, क्योंकि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी और 4-5-6 काफ़ी इसमें कम्युनिटियाँ छोटी छोटी हमारी आती हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियत जो है एसटी में वो गुज्जर कम्युनिटी को है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को। तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी का, जब पार्टी ने बना दिया है किसी को प्रधान प्रेसिडेंट एसटी सेल का बना दिया है, तो हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। जहां पर जब नहीं बनाया था पार्टी ने, तो उस टाइम चौधरी हारून जो थे हमारे एसटी के प्रेसिडेंट थे, जो कि बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हालांकि हमें इस चीज से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि गुज्जर व बकरवाल एक ही कम्युनिटी है। तो जहां पे देखने वाली बात ये है कि हमें वो चीज बड़ी हमें परेशान किया, हमारे लोगों को परेशान किया। क्या देखेंगे रविंदर रैना द्वारा पहाड़ी लोगों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है? नहीं देखो जी, मैं एक बात कहूंगा कि जब हम पार्टी में आए हैं तो हमें पार्टी की दिशा निर्देश मानना ही पड़ेगा, उसके प्रोटोकॉल पे, उसके लिहाज से हमें चलना पड़ेगा। अदरवाइज हमें पार्टी का बाहर का रास्ता चुन लेना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी ने, मैं तो ये कहूंगा कि पार्टी ने अगर चुन लिया है उनको हमारा प्रधान, तो हमें वो एक्सेप्ट करना होगा और मानना ही पड़ेगा। अगर चौधरी रोशन दीन को उन्होंने स्टेट का प्रेसिडेंट बना लिया है तो हमें मानना चाहिए। अगर आज उनको बनाया है, कल को मेरा नंबर भी हो सकता है, सुल्तान खान जी का भी हो सकता है, हमारे बहुत सारे जम्मू कश्मीर में काबिल लीडर हैं गुजरों में से, उनका भी नंबर हो सकता है। लेकिन मैं जो मेन बात है उस पे जाना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि पीछे 1.5-2 महीने पीछे एक बयान आया था कि बकरवाल कम्युनिटी के कुछ बंदों ने कुछ शरारती तत्व, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, 2-3 शरारती तत्व जो शरारती लोग थे, उन्होंने बयान दिया कि गुजर अलग है, बकरवाल अलग है, गद्दी अलग है, पहाड़ी अलग है। लेकिन मैं अपनी जहां पे अपनी पार्टी के बयान को मजबूत करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का है कि सब एक हैं, सब एक हैं, और हमें एक होकर चलना है और इकट्ठे होकर चलना है। मैं उस बात पे जोर दूंगा, क्योंकि हम गुज्जर बकरवाल हमारे पहाड़ी भी हमारे भाई हैं। अगर हमारी पार्टी उनको देगी तो उन्होंने सोच समझ कर ही उनको एसटी का स्टेटस देना है, वो हमारा कुछ नहीं छीनेगा। हमें इस बात पे यकीन है, अपनी बीजेपी पार्टी पर और अपने तमाम लीडरों पर, बीजेपी के तमाम जितने सीनियर लीडरशिप है। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज सभी लोगों को दूंगा कि मेरी ये रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, जितनी हमारी जनता है एसटी में आती है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे गद्दी है, चाहे सिप्पी है, चाहे कोई भी है, कि आप इकट्ठे होकर रहें, पार्टी के साथ चलें और इकट्ठे होकर, एकजुट होकर पार्टी का साथ दें। जहां तक मैं ये कहता हूं कि जब से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है तो हम ये कहते हैं कि हमने पार्टी का साथ देना है, जो पार्टी के ऑर्डर हैं हम उन ऑर्डरों को हमने मानना पड़ेगा, उनके साथ चलने पड़ेगा। और मुझे जहां तक यकीन है कि कभी भी हमारी बीजेपी की लीडरशिप और हाईकमान कभी भी गुज्जर व बकरवाल के साथ बेइंसाफी नहीं करेगी। बीजेपी जब पहाड़ियों को खुश करने जाती है तो गुज्जर बकरवाल नाराज हो जाते हैं, 50 पार की बीजेपी बात कर रही है, एक समुदाय को जो है वो लेकर जा रही है साथ में, तो दूसरा समुदाय जो है वो नाराजगी जता रहा है। अगर कल को
जिस तरह से आज बकरवाल का प्रेसिडेंट बनाया गया है, कल वो आज आपका प्रेसिडेंट होता, गुजर समुदाय से होता, जिस तरह से आपने भी बात की चौधरी सुल्तान खान होते, तो कितनी ज्यादा खुशी होती आपको भी एज ए गुजर होने के नाते? बिल्कुल मेहरा साहब, मैं बिल्कुल बड़ी ज्यादा खुशी होती, लेकिन मैं यहाँ वही बात कह रहा हूँ कि अगर आज चौधरी रोशनदीन को हमारी पार्टी ने एसटी का प्रेसिडेंट जेके ड्यूटी का बना दिया है तो कल को हमारा भी नंबर आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमने पार्टी को समझना पड़ेगा, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार चलना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक ये भी कहूँगा कि जो लोग पार्टी के, क्योंकि पार्टी ने मेरी कौम को बहुत कुछ दिया है, उसमें चाहे कोई भी हो उनको बहुत कुछ दिया, मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि हम सभी लोग जिस तरह हमारी पार्टी का जे एक कहना है कि हम सबको मिलके चलना है, तो हमारे सभी लोगों को मिलके चलना चाहिए, उसमें चाहे को एसटी का हो, एससी का हो, चाहे को जनरल हो, सबको एक होकर चलना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, कोई किसी का हक नहीं छीनेगा और ना ही हमारी पार्टी किसी का हक किसी को छीनने देगी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा, फिर से यही सभी के आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग एक होकर चलें, जिस तरह से शगुफे पहले किसी कई लोगों ने हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश की कि गुज्जर वो हैं, बकरवाल ये हैं, पहाड़ी वो हैं, मैं मानता हूँ कि गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी हम सब एक हैं और सब बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी का साथ देंगे। हाँ, जो पार्टी का साथ नहीं देगा, पार्टी के खिलाफ चलेगा, तो मेरी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के ऊपर गौरव फिक्र करें, अगर उन्हें नहीं हजम हो रहा है तो बाहर का रास्ता दिखाएं। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा और अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।